हेलो एवरीवन, आई एम मोनाली नाइक एंड वेलकम टू माय चैनल नखरेवाली मोना। तो आज का वीकेंड का वार अच्छा था क्योंकि कॉमेडी भी था, गुत्ती भी आई थी, फिर ये फ्रीज वाला जो टास्क था वो भी हुआ, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और अरहान की वापस क्लास लगी। अरहान तो जो स्पेशल टारगेट जो है आजकल का, सलमान खान का स्पेशल टॉपिक जो है अरहान, तो वो भी आज हुआ, तो काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे आज का एपिसोड। तो फ्रीज एंड रिलीज वाला जो टास्क था वो सुन के घर वाले इतने ज्यादा खुश हो गए थे कि उनको लगा कि उनके घर वाले आएंगे, क्योंकि फ्रीज एंड रिलीज कब होता है, एक एक के घर वाले या गर्लफ्रेंड आती है, वाइफ आते, बच्चे आते, वो मेरा फेवरेट एपिसोड रहता है। तो पर वो ये इस बार वो नहीं था। सबसे पहले आई काम्या पंजाबी। काम्या पंजाबी काफी ज्यादा एक्टिव रहती है बिग बॉस के बारे में सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, तो और काफी ज्यादा डायरेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफी स्ट्रांग वुमेन है वो। तो वो आई पहले, तो उन्होंने पहले जरीवाला को पकड़ा, जरीवाला को बोला कि पहले तुम स्ट्रांग दिखती थी, गेम खेलती थी, दोस्ती में तुमने फूट डाली, ये बात मैं तब बोली थी जब जरीवाला नई नई आई थी कि इसके वजह से दोस्ती टूटी है, पर तब किसी ने मेरी बात नहीं मानी, बट हुआ है ये बात। तो और आसिम को चिपकती थी और बोलती थी कि हिमांशु बुरी नजर ना है इसलिए मैं चिपकती थी, लाइक सिली रीजन जरीवाला ने बोला, जरीवाला ने दोस्ती तोड़ी। मैनिपुलेटिव है, इससे ही पता चलता है कि मैनिपुलेटिव है, किसी का दिमाग के साथ वो खेल सकती थी, उसने कहीं ना कहीं आसिम के दिमाग के साथ खेल के आसिम का अच्छी तरीके से यूज किया इस गेम में, एक अपना स्ट्रांग फेस बनाने के लिए कहीं ना कहीं उसने आसिम को कहीं ज्यादा यूज किया है। तो इस वजह से उन्होंने एक और बात छेड़ी थी जो मैंने भी सोचा था कि जब रश्मि और अरहान का सारा जो टॉपिक है जो सबके सामने आया था पिछले वीकेंड के बार में, तब रश्मि बहुत रो रही थी मुझे घर जाना है, दरवाजा बंद होने के बाद बोल रही थी कि मुझे घर जाना है, तब जरीवाला बैठ के उसको समझा रही थी कि हाँ देखो रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपने तो घर में जाके सॉल्व करना चाहिए, बिग बॉस क्या रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तब वो और हिमांशी नॉमिनेटेड थे, आसिम भी था शायद, आसिम, हिमांशी, जरीवाला, ये लोग नॉमिनेटेड थे, तो उसको लगा अगर ये घर पे जाए तो इस वीक शायद एविक्शन ना हो, हम में से कोई बच जाए, शायद वो खुद अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो मुझे दोस्तों के लिए खेलते हुए अभी फिलहाल तो बिल्कुल नहीं दिख रही है जरीवाला, और वो सेल्फिश लग रही है फिलहाल मुझे, वो अपने लिए खेल रही है, दोस्तों का अच्छी तरह से यूज किया है, अभी वो खो गई है ऐसे। कामयाब पंजाबी का कहना है, उनका कहना है कि मैनिपुलेट करती हो आप काफी अच्छे तरीके से, पर आप मास्टरमाइंड नहीं हो और आप मास्टरमाइंड बन सकती हो, ये क्वालिटी उन्होंने जरीवाला को बताई है। तो मास्टरमाइंड का पता नहीं, मैनिपुलेटिव तो है वो, कहीं ना कहीं उसने आसिम के साथ खेला है, तो ये तो है जरीवाला की बात। फिर आया अरहान, अरहान का टॉपिक आ गया जो है फेकचंद। फेकचंद के बारे में ये बोला कि आप सो कॉल्ड जो प्यार करते हो रश्मि का, ये तो आप क्लेम करते हो कि आप उसको प्यार करते हो, अब नेशनल टेलीविजन पे रश्मि के बारे में ये सारी बातें बोलते हो, जीरो अकाउंट और फिर रस्ते वाली वो जो कुछ भी बातें, और फैमिली वाली बात जब सलमान सर ने टीवी पे बोली तो आपने बोला सर ये फैमिली की बात टीवी पे क्यों, और आप खुद रश्मि के बारे में टीवी पे बातें कर रहे हो, आपने खुद वो टॉपिक निकाला जब सलमान ने वो क्लोज कर दिया था ऑलरेडी। इस शो के हिसाब से आपका बैंक बैलेंस जीरो है, ऐसे कहना है काम्या पंजाबी का, क्योंकि लोग रश्मि देसाई की वजह से अरहान को पहचानते, लाइक सीरियसली मैंने खुद ने अरहान को पहले कभी जिंदगी में नहीं देखा है जितना मैंने रश्मि को हमेशा ही देखा है, बहुत सारे सीरियल में देखा है। पीपल नो यू कॉज ऑफ रश्मि, दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि रश्मि एक वेल नोन पर्सनैलिटी है, काफी सालों से उन्होंने काम किया, तो इस वजह से अरहान को पहचानते हैं, ये भी सही है। रश्मि के पास जाके उन्होंने बोला कि कहाँ है रश्मि, वो स्ट्रांग रश्मि जो गिर के वापस उठती थी, पहले तुम्हें क्यों सहारा, हमने देखा है कि रश्मि को हमेशा किसी ना किसी का सहारा लगता है गेम में, लाइक जैसे अगर समझो देवोलीना आउट हो गई तो वो ऑल ऑफ सडन फिर आसिम के पीछे लग जाएगी, या फिर कोई भी स्ट्रांग, विशाल के पीछे, विशाल जब आया था उसके पीछे लग गई थी, तो वो कहीं ना वो किसी को पकड़ लेती कि मुझे यार कोई तो चाहिए फिर मैं स्ट्रांग बनूंगी, जो कि गलत है, किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पहले उसने सिड़ किया, अब वो अरहान 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 कर रही है, तो जो कि नहीं होना चाहिए, स्ट्रांग दिखो, स्ट्रांग रहो। मधुरिमा पे वो काफी ज्यादा गुस्सा हुई थी, देखो एक सीरियल आता है काम्या पंजाबी का, कुछ शक्ति नाम का है शायद, तो उसमें यूनक के लिए एक राइट पोजीशन जो है दिलाने का एक वो जो प्लेटफॉर्म है वो सीरियल की, इनको एक अच्छा पोजीशन दे, इनके बारे में जो मजाक उड़ाते हैं या जो
कम समझते हैं इनको, तो उनको एक पोजीशन दे। और इसने वही गाली दी विशाल को, जो कि काफी ज्यादा गलत हुआ था। काम्या पंजाबी इतना ज्यादा गुस्सा हुई थी, वो बोली मैं तो तुम्हें आईना भी दिखाना नहीं चाहती। सिक, वो इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी है ना काम्या पंजाबी, लाइक सीरियसली। शहनाज हो जाके वो हक करती है, हमने काफी बार उनके ट्वीट्स देखे, कहीं ना कहीं वो शहनाज को काफी ज्यादा पसंद करती है। अरहान फुल ऑन फ्रस्ट्रेटेड, अरहान फेकचंद को ऐसा हो गया था कि यार क्या हो रहा है यार, जब ये बात हो गई है, पारस ने आके बोल दी है, तो ये लोग पूरा एपिसोड क्यों नहीं देख के आते, पारस के एपिसोड क्यों नहीं देखा, आधी अधूरी बात लेके आ गए। तो रश्मि बोलती देखो पारस की बात वो समझते हैं, आपने बोला ये उनको गलत लगेगा, आप क्लोज हो, आप प्यार करते हो, आप बोलते हो और आप मेरे बारे में ऐसे बात करते हो, तो वो नहीं। बट फिर भी रश्मि उसको बोलती मुझे पता है तुमने उस मतलब से नहीं बोला, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसे उसको, रश्मि को ऐसे हिला, उठ जा प्लीज, आके खोल के देख ले कि क्या हो रहा है। मधुरिमा रोती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मधुरिमा का रोना मुझे काफी अलग ही लगा। फिर हितेन आते, हितेन ओ माय गॉड, इतने हैंडसम लग रहे थे वो सीजन 11 में थे, काफी अच्छे इंसान थे और बहुत अच्छे दिखते हैं वो। तो आरशी उनके पीछे पड़, आरशी उसके उनके पीछे पड़ी रहती थी हमेशा। वो आके विशाल को पकड़ते कि तू आरती को कंफ्यूज बोलता है, आरती तो साफ है, लोगों को समझ में आ रही, लोगों को दिख रही, जो साफ नहीं वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो आरती क्लियर है, तू क्लियर नहीं। तो वो मिरर का वो जो दिखा देना यार, इसमें भी ब्लर दिख रहा है, तू साफ नहीं दिख रहा है, कभी मधुरिमा के पीछे, कभी मायरा के पीछे, क्या है तेरा करके। तो विशाल सच्ची में मैंने कल ही बोला था, वो एक मंदिर का घंटा लग रहा है, वो अजीब ही लग रहा है मुझे वो इंसान, और हर कोई अपना फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल के जा रहा है। जैसे कि कल आपने देखा बग्गा को विकास गुप्ता ने उठाया, बग्गा ने उसका फ्रस्ट्रेशन विशाल पे उतारा कि मैं तुझे अभी सुनी नहीं दूंगी, तो हर कोई आ रहा है विशाल के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। शहनाज को पता है कि जब पारस और वो होते तो तू अच्छा खासा एंटरटेन करती है शुक्ला, जब वो नहीं है तो तेरे ऊपर जिम्मेदारी है एंटरटेन करने की, ऑफकोर्स, क्योंकि इतना बकवास लग रहे थे एपिसोड इस वीक के, लाइक नींद आ रही थी, नींद। मैं तो आज लिटरली मैं सोची कि आज अगर बकवास होगा ना मैं सोने वाली हूँ, बट कल प्रोमो देखा था तो काफी मुझे लगा कि आज बोलने लायक होगा। भाव को, भाव तो भाई कौन से दुनिया में है, क्या है, खुद को क्या समझ रहे, या फिर क्या खुद को क्या समझ रहे नहीं सॉरी, या फिर ऐसा क्या हो गया उनको कि वो अलग ही बिहेव करे। जैसे कि भाव को पूछा आप सेना को फेक बोलते हो, क्यूट बनती है, तो आप क्या करते हो भाव, क्या करते हो, तो वो बोलते सोते रहते हो सलमान के सामने आप क्यूट नहीं बोलते, इज्जत देता है ना, इज्जत तो है, फिर इज्जत देगा इतना मैं। तो भाव का जो एटीट्यूड ऐसा जो बदल गया है ना, वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा अभी। विकास गुप्ता के पास, जिस विकास गुप्ता को हम पहचानते हैं वो नहीं दिख रहा है, और विकास गुप्ता को इस बात का बुरा लगता है कि एक टाइम पे हम दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, हमने भी देखा है वो सीजन में कहीं ना कहीं विकास गुप्ता हितेन को ज्यादा सपोर्ट करते थे, पर आज उन्होंने एक हक भी नहीं दिया, उल्टा दाट के चले गए, उनका ये कहना था। फिर एक शायरी बोलती है रश्मि, गिरी उठी चिट्टी की चाल चली। फिर आसिम ने भी एक शायरी बोली, मुझे याद नहीं है दोनों भी शायरी, बट बहुत अच्छी शायरी बोले दोनों ने, काफी अच्छा लगा मुझे वो। तो ये बातें हुई, बाद में आए रश्मि के भाई गौरव देसाई, जो मुझे ज्यादा इमोशनल लगे, वो उनको ज्यादा रोने आया, ज्यादा बुरा लग रहा है। उन्होंने पहले जाके उसका हक किया, बोला गेम खेलो, डोंट बी जोन्ड आउट, क्योंकि रश्मि कहीं ना कहीं जोन्ड आउट लगती है, या उनको ये गेम मतलब समझ नहीं आ रहा है, या क्या हो रहा है, या किसी की सपोर्ट की जरूरत है, हमें भी दिख रहा है आ रहा है। रोड पे ऑन ऑल यू आर नेवर ऑन रोड, तुम्हारी फैमिली है, सब कुछ है, तुम कभी रोड पे नहीं आए थे, डोंट बी स्पाइनलेस। कि रश्मि सच बोल रही है कि रोड पे आई थी, क्योंकि सलमान सर ने भी आज बोला कि तुम कभी रोड पे थी नहीं, जिसका 5 घर है वो रोड पे आते हैं कभी, तो पता नहीं है फिर अरहान को कवर अप करने के लिए, या पर प्यार में इतना अंधा क्यों। डोंट टेक एनी डिसीजन, थिंग्स आर नॉट गुड बोल के वो चला गया। अरहान ने बोला, वो अरहान को बोला, वो अपने पैरों पे खड़ी, वो अपने दम पे इस शो में आई, किसी की वजह से शो में नहीं आया, किसी ने उसको लाया नहीं। अरहान यार मेरे पीछे तो हाथ धो के पड़ गए यार, मुझे फिर रश्मि बोलती यार टाइम चाहिए, यार सोचना पड़ेगा, टाइम लो, क्लियर दिस आउट रश्मि पूछती है। तो बग्गा भी बीच में आ जाती कि टाइम इतना नहीं बोलना चाहता, अरे यार बवाल हो गया, मेरे गले तक आ गया, मैंने जरा सा कुछ बोलते मैं सॉरी बोल रहा हूँ पर मेरे गले तक आ गया। फिर वहां पे हमने देखा सना और आसिम बातें कर रहे थे कि इनकी केमिस्ट्री मुझे जीरो लगती है। भाई आके बोल के गया,
आसिम भी बोला कि वो खुद ही कर रही है ऐसे, मतलब खुद ही कर रही है, मतलब कुछ तो ऐसा था कि समझ नहीं रही है, खुद ही डूबते जा रही है उसमें। तो आसिम कहीं ना कहीं अच्छा खासा जाके उसको समझाता है कि बार बार वही गलतियां कर रही है ना रश्मि, खुद ही कर रही है बार बार वो गलतियां, ये बात थी आसिम की। रश्मि को वो जाके समझाता है कि एज अ फ्रेंड मुझे ऐसे लगता है कि यू नीड टू थिंक मोर। वो उनका कंसर्न बोलते ना कि यार ये किसी चीजों में फंस ना जाए या कोई इसको फंसा ना दे, बाहर जाने के बाद चीजें कुछ अलग ना हो, इसलिए आसिम ने जाके एज अ कंसर्न उनको बोला कि यू नीड टू थिंक मोर, है ना, कोई आपके लिए करता है तो उसको जताओ मत। तो अरहान इतना क्यों जता रहा है, किसी ने पूछा, किसी ने बोला कि तूने उसके लिए क्या किया था, खुद ही टॉपिक निकाला। कहीं ना कहीं अरहान ने ये टॉपिक इसलिए निकाला क्योंकि पिछले वीकेंड में उसकी जो बैंड बजी थी ना, अरहान का लगा अच्छा मैं भी कुछ मान दिखाऊं कि मैंने रश्मि के लिए क्या क्या किया, ताकि लोग समझे कि वाह क्या महान इंसान है, पर हम तो उसके, हमारे लिए वो कौन है, फेक चंद। तो आपका भाई बता के गया मतलब कुछ तो होगा, ऐसा आसिम का कहना है। तो वो अच्छा खासा रश्मि को समझा के जाते, वहां पे सलमान खान आते, सलमान सर आते हैं कंट्रोल रूम के थ्रू, वो थक गए होते हैं प्रमोशंस वगैरह, इतने सारे शोज काम वगैरह, तो 20-22 घंटे। मैं अभी एक एक शो करके आई हूँ, मुन्ना बदनाम वाला सॉन्ग पे करके आई हूँ मैं, जुम्बा का, पूरा दर्द हो रहा है, पूरा दर्द हो रहा है, मैं मेरे को कैसे तो हो रहा है। बट सलमान सर कितने उम्र के, मेरे उम्र क्या है फिर भी। तो एक टॉन्ट था कि आज मैं लेटे लेटे करूंगा, तो कौन सोता है, तो भाव 15 दिन से नहीं सोया मैं भाई, तब दवाई की वजह से होता था, तब बिग बॉस ने बोला था, अभी मैं नहीं सोता है। तो भाव सलमान सभी बोलते पहले सोने आया क्या तू, पहले शहनाज ने एक बार उठाया था तो तूने उसके साथ कुछ अलग ही लेवल पे जाके झगड़ा किया। मैं सोया नहीं, मतलब सोया नहीं, किसी और का सुनेगा नहीं मैं, तो आपका सुन के लेगा भाई, किसी और का नहीं सुनेगा मैं। पारस बोलता है भाऊ भाऊ सोया है वगैरह वगैरह, तो कितना झूठ बोलता है ये, अपना कम दिमाग कम चला, मजाक नहीं चल रहा, इज्जत हजम नहीं होती, बार बार भाऊ की वो लैंग्वेज सुनो, ये सब लोगों का सुनने नहीं आया हूं मैं, मत जगा आज के शो में, तुम सोएगा भाई, सलमान सर बोलते तुम सोएगा, पर विकास गुप्ता बोल रही भाऊ कौन सा सोता है वो देख, नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई, आज भाव की अच्छी खासी क्लास लगी है। विकास गुप्ता को पूछते तुम शिल्पा शिंदे को मिस करते, तो वो एक पॉजिटिवली कहते हैं हमेशा शिल्पा शिंदे के बारे में कि जिस तरह वो घर रखती थी, ऑफ कोर्स मैं उनको मिस करता हूँ। सलमान सर ने बोला कि रश्मि भी स्टार्टिंग में करती थी, अभी वो धुस हो गई है, तो पता नहीं रश्मि का घर में क्या योगदान है क्या नहीं है, तो सलमान सर खुद ही बोल रहे हैं। आसिम के ऊपर आया कि अच्छे खेल रहे हो, इरिटेट ना करो, तारीफ की तो आप अलग ही हो गए हो, मेरे को आपके गर्लफ्रेंड पे पिटी होता है कि कैसे वो खुद इरिटेट नहीं होते आपकी आवाज से। देखो जब बहुत प्रोवोकिंग होती है तब हम लोगों को इरिटेट होता है, बट आवाज हमको माहिरा की इरिटेट होती है, कुछ भी बोलो माहिरा को एक बार सलमान सर प्लीज बता दो, वो नॉर्मली बात भी करे तो मुझे वो ऐसे ये होता है कि क्यों बहुत आवाज इरिटेटिंग है फिर भाव को बोला कि भाव ने फ्रीज क्यों नहीं किया, तो अब भाव मेरे को फोटो मांग रहे लाए, मैं कब से मैं मांग रहे लाए फोटो, मेरे को नहीं दे रहे ले। हाँ तो सलमान सर ने बोला कि फोटो दिल में होती है, हनुमान के राम की फोटो लेके घूमता था, हाँ किसने खींचा था वो फोटो, फोटो इधर ही चाहिए इनके पास ही, फिर भी नहीं दे रहे ले। तो भाव ने सलमान सर ने पूछा कि किसने खींची थी फोटो, तो भाव बोलता बिग बॉस ने, तो फिर वो बिग बॉस की हुई ना तुम लेके आने का ना, मतलब कितना किस कौन से टॉपिक पे भाव झगड़ा किए पागल, बिग बॉस की प्रॉपर्टी मांग रहे हो आप, बिग बॉस ने खरीद खींचा है ना फोटो, तो आप उनकी प्रॉपर्टी मांग रहे हो, लाइक सीरियसली रोतलू लग रहे हो तुम भाव, रडिया आज से भाव का नाम है रडिया भाव। तो भाव ठीक है आप बोले तो चलेगा, बार बोल के दिखा तो मैं देखता हूँ, तो सलमान से मुड़ के बोलते भाव रडिया अब तो वो काफी ज्यादा अच्छा था। हिमांशु जरीवाला के पास आते कि लीडरशिप क्वालिटी थी आप में, कॉन्फिडेंस था, तो हिमांशु बोली शायद मैं इमोशनल हो गई हूँ, बट आई विल बकल इट आउट, कैप्टन बनना है, अच्छी किया भाव का लेटर फाड़ा, क्योंकि क्या किसी का कुछ था उसमें, कुछ अच्छा खासा था, आप कैप्टन बनने वाले थे ना, मैंने कोई फूंच नहीं डाली, इनकी दोस्ती वीक थी, आसिम क्यों हमारे पास आया, मतलब आसिम जरीवाला के पास गया ऐसे उसका कहना है, गलती उसकी है हमारी नहीं है, मतलब इनकी दोस्ती टूटी तो गलती आसिम की है क्योंकि आसिम इनके पास गया। मेरे को ऐसे यहां से लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग आसिम का दिमाग
मैनिपुलेट कर रहे थे, क्योंकि एक एपिसोड में दिखाया था कि जरीवाला आसिम को सीधा सीधा बोल रही थी कि सिद्धार्थ दिखा रहा है कि वो किंग है, पर तुझे दिखाना है कि वो किंग नहीं है, तू किंग है, ऐसे फुल भड़का रही थी वो आसिम को, और अभी वो आसिम के बारे में बोल रही है, ये बात हुई। तो फिर मधुरिमा को पूछते कि आप जब नॉमिनेट हुए तब आप ऐसे झगड़ा कर रहे थे, टास्क के अंदर झगड़ा कर रहे थे, पूरा फेक लग रहा था। हम लोगों को भी लिटरली वो इतना फेक लग रहा था कि क्या बोलूं, बस सीरियसली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था वहां पे। फिर सलमान सर आते हैं उनके स्पेशल, आजकल इंटरेस्टिंग टॉपिक है अरहान पे, कि रश्मि का भाई आके क्या बोल के गया। मैंने मना किया था सलमान से, क्या कहना है इस शो में नहीं बोलना, फिर अरहान आपने क्यों बोला, आपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। अरहान कुल्हाड़ी लेके घूम रहा है और वो खुद ही अपने पैरों पे मार देता है, मतलब उसके पास है, पॉकेट में है, वो देखता है आजू बाजू में, फिर मैं सोचता है यार बहुत दिन देर हो गया यार, मैंने मेरे पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, फिर वो अपने पैरों में मार देता है। तो फिर क्यों अरहान ऐसा क्यों कहा आपने, और फिर वो घर वाली बात आज बोली, माय गॉड। उन्होंने रश्मि से पूछा घर में कौन कौन है, रश्मि बोलती मैं अकेली रहती हूँ, फिर किस किस के पास है, तो निधि के पास है, फिर एक्सेस किसको है, तो अरहान को भी है, तो और कोई आता जाता है तो अरहान, पर इस बारे में रश्मि ने उनको पूछा नहीं अरहान को कुछ कि आपकी फैमिली रहती है या नहीं मेरे घर में, क्योंकि सलमान सर खुद कहा था कि ये अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अकॉर्डिंग टू नेबर्स, अकॉर्डिंग टू योर फ्रेंड्स, ऐसे समझ में आ रहा है कि आपके घर में इसकी फैमिली रहती, बट बाद में मैंने देखा नहीं रश्मि कुछ पूछते हो, क्योंकि अरहान ने यहाँ पे नो बोल दिया। अगर रश्मि मतलब लिटरली अगर ये सब पता है तो ये टॉपिक तो निकालना नहीं चाहिए नेशनल टेलीविजन पे, अगर नहीं पता है तो आंखें खोलो रश्मि प्लीज। विकास गुप्ता के बारे में उन्होंने कहा कि एवरीवन वाज गोइंग पर्सनल अबाउट विकास गुप्ता, हर कोई उसको टारगेट कर रहा था, फिर भी उन्होंने काफी स्ट्रांगली स्टैंड लिया। अरहान तो बाद में रोने ही लग जाते यार, मेरे पीछे ही पड़ गए सब लोग, फिर वीडियो कॉल दिसला गुडबाई दिसला, शुक्ला पे आया था वीडियो कॉल दिख, फिर शुक्ला काफी दिनों बाद दिखे, सलमान सर उनको पूछते कि आप नर्स डॉक्टर पे चिल्लाते, तो शुक्ला बोलते नहीं लेटा रहता हूँ, और मैंने आपका वो जो फॉर्मूला है वो अप्लाई भी किया था, तो बोला हाँ फिर भी आसिम ने आपको छोड़ा नहीं। मैं मुझे लगा चलो इस वीकेंड के बाद तक मैं सेव हो जाऊंगा, इस बार सलमान सर मुझे नहीं डांटेंगे, पर वीकेंड के बाद पे यार नहीं आए सिद्धार्थ शुक्ला, तो आपको आपके ऑडियंस ने तो सेव किया, पर देखते हैं ऊपर वाला कितना सेव करते हैं, ऐसा मत बोलो सलमान सर, ऊपर वाला भी उनको ऑफकोर्स सेव करेगा। फिर शहनाज के बारे में बोलते कि शुक्ला मुझे अटेंशन देता था, अब अटेंशन नहीं मिल रहा है। पर कहीं ना कहीं आज सलमान सर ने एक बोला कि 5 हफ्ता इंक्रीज किया है शो, और मेरा जो प्राइस है वो डिक्रीज किया, मतलब सलमान सर ये शो होस्ट कर रहे है, अगर है तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि फरा खान अच्छी है बट सलमान खान का मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए। तो ये सारी बातें हुई, फिर बाद में जब गुत्थी आई, माय गॉड, मैं हंस हंस के पागल हो गई। वो जो नाड़ा के साथ मुन्ना बदनाम हुआ ना, मतलब मैं अभी मुन्ना बदनाम मेरे शो में करके आई हूँ, मैं ऐसे इतना पागल हो जैसे अभी हंस रही थी। और वो जो उसका शोल्डर, मुन्ना शोल्डर मारे डार्लिंग तेरे लिए, मुन्ना लेग्स मारे डार्लिंग तेरे लिए, वो काफी ज्यादा बहुत ज्यादा फनी था वो। सलमान सर का एंड में ऐसा था कि अभी मुझे कटरीना में भी यही दिखेगी, कर रहे थे, और दिल दिया गल्ला सॉन्ग्स उनको नफरत हो गई इसके वजह से। कॉलर ऑफ द वीक भी कॉमेडी था, मतलब लिटरली उसका ऐसा यही दिख रहा था, बस मुंह दिख ही नहीं रहा था, बाद में सिर्फ ये दिखा नीचे बैठा, मुंह नहीं दिख रहा था, फिर लिटरली वो पूरा दिखा, और फिर उसकी बच्ची का भी वो सिर्फ सर ही दिखा रहा था। काफी फनी था, मधुरिमा के लिए था, क्वेश्चन फुटेज के लिए विशाल के पास जाती हूँ एंड ऑल दैट। सलमान सर ने डायरेक्ट बोला कि आपको इतना क्यों देखना है मधुरिमा को। ब्लैक हार्ट वाला टास्क हुआ, चलो मैं विशाल की बात की नहीं करूंगी किसने विशाल को दिया, क्योंकि रश्मि आरती बग्गा इन लोगों का तो जेन्युइन रीजन था वो वीडियो के ऊपर, आरती मत का वो जो पीठ पीछे जो अभी बातें हुई थी उसके ऊपर वगैरह, बट जरीवाला ने जो आसिम को दिया कि मैं उसको छोटा बच्चा मानती थी और इसने ऐसा ऐसा किया वगैरह वगैरह, तो कहीं ना कहीं वो टास्क के बाद ये सारी बातें हुई, ये सारा हुआ। मधुरिमा कहती है कि ये मुझे धोखा दे सकते, जबकि आसिम का कहना था कि मैंने और मधुरिमा ने कभी बातें की ही नहीं है,
तो जब बातें हुई नहीं तो धोखा की बात ही नहीं आती। शहनाज कहती है वो मेरे जैसा फ्लिपर है। चलो शहनाज ने अपने ऊपर, मैं शहनाज वगैरह की बात नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करूंगी भाव अजरीवाला की बात। फिर भाव बिकॉज ऑफ लेटर उन्होंने वो काला दिल आसिम को दिया, जबकि आसिम ने झगड़ा भाव के लिए किया था। आसिम ने झगड़ा भाव के लिए किया था जरीवाला के साथ, तो जरीवाला के साथ तो आसिम ऑटोमेटिकली बुरा हो ही गया क्योंकि झगड़ा हो गया। बट मुझे लगता है उसके बाद वो लोग गले भी मिले क्योंकि भाव ने ही आसिम को गलत ठहरा दिया। और आज भी भाव ने आसिम को गलत, मतलब जिनके लेटर के लिए आसिम झगड़ा कर रहे थे उन्होंने आसिम को गलत ठहरा दिया आज। तो ये जो दोस्ती है वो पूरी तरह टूट गई है कहीं ना कहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस्तेमाल काफी अच्छे से करके लिया इन लोगों ने आसिम का, और अभी कॉर्नर कर सकते हैं उसको शायद। तो ये टास्क पारस चिढ़ा रहा था कि आसिम ये टास्क तू जीत गया करके। तो ये था आज का एपिसोड, कल का भी काफी ज्यादा फनी होने वाला है मुझे ऐसा लगता है। और कल मधुरिमा दिख रही है आपको एपिसोड में, तो मधुरिमा नहीं हिंदुस्तानी भाव का एविक्शन हो रहा है, ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बोल दिया है। तो मैं आती हूँ रोज बिग बॉस रिव्यू एपिसोड्स के साथ। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी परत मी आलेच, हाँ बाय।